हाँ तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहुँच गया। ये नारायण सिंह सर्कल, यहाँ से बस है मेरा 11:15 को, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। मेरा पीछे ये सिटी प्लस मॉल। ये जो मेरा जो जर्नी है दिल्ली तक, कुछ इस तरह से शुरू होता है। Later. So friends, I have just reached here. अभी बस से उतरा हूँ। ये ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के बगल में ही उतरा। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा जामे मस्जिद। तो फिर चलिए जामे मस्जिद में जाके आप लोग से मिलते हैं। What's up people? देखो आपका भाई कहाँ आ गया। जैसे कि आप लोगों को बोला था, मैं जामे मस्जिद जा रहा हूँ। मैं जामे मस्जिद पहुँच गया, अभी नहीं पहुँचा। मेरा यहाँ पहुँचना 1.5 घंटा हो गया। अभी 6 बजने वाला है, मैं तो 5 बजे से पहले ही पहुंच गया। अभी नमाज भी पढ़ लिया, ज़रूरी था। और ये पीछे थोड़ा तालाब टाइप का बना हुआ है यहाँ पे वजू बनाने के लिए। बहुत बड़ा मस्जिद है यार, बहुत बड़ा मस्जिद है। मतलब बहुत अच्छा लगा प्रे करके। आज तक इतना बड़ा मस्जिद मैंने कभी विज़िट नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और मेरा आइटनरी के हिसाब से मेरा तो ट्रेन आज रात को ये 11 बजे ओल्ड दिल्ली ट्रेन स्टेशन से। भूख लग रहा है मुझे बहुत, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद देखते हैं मतलब कहाँ जाना ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। सब पहले इंडिया गेट जाऊँ या लोटस टेम्पल या कुतुब मीनार वगैरह कहीं पर। और घूमूंगा आज पूरा दिन, इधर ही मैं ही हूँ। आज पूरा दिन घूम के ट्रेन पकड़ के फिर फिर से जयपुर जाऊंगा। घर नहीं जा रहा हूँ, जयपुर जा रहा हूँ रिटर्न। और देखिए आप लोग ये मस्जिद। तो गाइस, फिलहाल मैं अभी मेट्रो के अंदर आ गया। ये जामे मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से मैं अभी जाने वाला हूँ इंडिया गेट। दिल्ली मेट्रो में मेरा फर्स्ट टाइम है, दिल्ली में ही फर्स्ट टाइम है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली मैं पहुँच गया। ये पीछे आप लोग देख सक रहे हैं, ये इंडिया गेट है। मैं इंडिया गेट के नीचे हूँ। बहुत दिन से चाहता था कि कभी दिल्ली आऊँ, घूमूँ, इंडिया गेट भी आ जाऊँ। आज फाइनली ये पॉसिबल हो सका मेरे लिए। इससे ज़्यादा खुशी का मौका और क्या हो सकता है। और दुख भी है इस बात का कि मेरा फ़ोटो निकालने के लिए कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ।
नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मिलते हैं आप लोगों के से। आ इधर से चले गाइस, टाइम टू एक्सप्लोर लोटस टेम्पल। और एक बात मुझे आज नया से मालूम चला, यहाँ पीछे जो देखे पीछे एक म्यूजियम टाइप के हैं, वहाँ पे अंदर गया, वहाँ पे जो इंचार्ज मतलब स्टाफ वगैरह था वो लोग से मैं बात किया। बात करने के बाद मुझे ये मालूम चला कि कोई बहाई बोल के एक नया रिलीजन है, मुझे नहीं पता था, आज फर्स्ट टाइम मुझे मालूम चला। और आप लोगों को अगर ये बात पहले से ही मालूम है बहाई बोल के कोई रिलीजन है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बोलिए नीचे। और ये लोटस टेम्पल को हाउस ऑफ वर्शिप के नाम से भी जाने जाते हैं, तो फिर चलिए एक्सप्लोर करते हैं लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल है, हाउस ऑफ वर्शिप। मैं उसके अंदर गया था, अंदर कुछ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था इसीलिए मैं कुछ वीडियो नहीं बनाया, फिर भी बाहर से मुझसे जितना पॉसिबल हो सका मैं उतना वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अंदर बहुत पीस था। जो अंदर से एक बात मुझे मालूम चला, ये जो बहाई जो रिलीजन है, रिलीजन का मेन पर्पस है पूरा वर्ल्ड में पीस क्रिएट करना। ये एक इंटरनेशनली इंडिपेंडेंट रिलीजन है, ये ईरान में ये हुआ था। वेदर के बारे में क्या हुआ? वेदर तो अभी तक मुझे बहुत अच्छा लगा, धूप दे रहा है लेकिन धूप महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हवा कॉन्टिन्यूसली बहुत हवा चल रहा है। और अभी मेरा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यहाँ से सीधा कुतुब मीनार जाऊँ। पीछे देख रहे हैं आप लोगों को ये जो लोटस टेम्पल, आई होप अच्छा ही लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। अभी तो और बाकी है जर्नी, अभी कितना बज रहा है? 11। और आपके भाई के पास 12 घंटा है दिल्ली में, तो 12 घंटा में और जितना हो सकता है मुझे जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद बैक टू जयपुर अगेन। तो फिर चलिए